जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 14th और इसके साथ ही हम 13 सितंबर के भी आपकी जितनी भी काउंसलिंग की जो कट ऑफ गई है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। बट याद रखिएगा, ये कट ऑफ जो है ये यूजी के बच्चों के लिए है जो आपके अंडर ग्रेजुएट्स जो CUET यूजी के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपके कट ऑफ या तो कह लीजिए कि एक दिन बाद, एक एक दिन पे, या फिर कभी कभी दो दिन पे आपके रेगुलरली कट ऑफ जो विषय हैं आपके वो अपडेट किए जाते हैं पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम 14 सितंबर, इसके साथ मैं आपको 13 सितंबर की भी कट ऑफ दिखाऊंगी क्योंकि उसकी टाइम अभी रहेगी, आज तक है या फिर कल तक, 15 तक, 16 तक ऐसे रहती है। तो अगर आपका वो विषय है और आपके CUET जो NTA नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो अगर आपका उतने मार्क्स जितना इसमें लिखा हुआ उतना है या फिर उससे अधिक है, तब आप यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ जो छात्र और छात्राएं जो हॉस्टल के लिए काफ़ी परेशान हैं कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं, तो मैं ये बता दूं, मैंने PG वाले में बताया था जो हॉस्टल की जो प्रक्रिया होती है, पहली बात तो ये कि ये सबको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है क्योंकि हॉस्टल में सीट लिमिटेड है। हॉस्टल की बात की जाए तो ये सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग विषय हैं, जैसे मान लीजिए BA है, BSc है, BCom है, इसी प्रकार जितने भी आपके UG के विषय हैं या फिर अगर PG में भी हैं तो ऐसे ही होता है। तो देखिए, आपका ये जो विषय है इनके अकॉर्डिंग जो इसमें टॉप करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो टॉप मेरिट होल्डर्स होते हैं, उनको ही हॉस्टल अलॉट किया जाता है। बट इसमें ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि सभी टॉप होल्डर्स को, मान लीजिए BA में अगर 10 टॉप होल्डर्स आ रहे हैं कि 10 लोग हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 10 के 10 को मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल में सबका रिप्रेजेंटेशन इन लोग को दिखाना होता है। क्योंकि जैसे कि एक तरीके से आप समझिए कि इसमें एक विषय नहीं है, आप देखेंगे अगर UG में इतने सारे विषय हैं, PG में हैं, फिर PG में भी आप देखेंगे अलग अलग IPS कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज उनके अलग हैं, तो सभी के बच्चों को वहाँ पे सीट देनी होती है इस प्रकार से। और ये आपका इसके बाद जब आप एडमिशन वहाँ पर करा लेंगे उसके बाद हॉस्टल का फॉर्म आएगा। हॉस्टल फॉर्म वैसे तो ऑफलाइन ही होता है क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे उसके बाद आपको पता लगेगा, बट अगर ऑनलाइन होगा तो आपको जो दीन बंधु वेलफेयर है वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है डिस्कशन का, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वहीं से हॉस्टल की सारी प्रक्रिया क्या है, आप हॉस्टल फॉर्म भरेंगे और कुछ जो आपका फ़ीस है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसके लिए परेशान मत होइए, पहले एडमिशन ले लीजिए, अगर आपका बहुत हाई रैंक है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। चलिए, तो अब आज हम बात करते हैं इसके जो है कट ऑफ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ लिंक पे हमने क्लिक किया है। जी हाँ, तो ये आपका ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो तीन विषय है इनकी काउंसलिंग की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। एक तो BA का है, एक BA मीडिया स्टडीज़ है, एक BCA है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपका 13th of September की जो काउंसलिंग थी वो आपके BSc बायो, बी वोकेशनल जो मीडिया प्रोडक्शन है, इसके अलावा 5 ईयर BCA और MCA डेटा साइंस के लिए। तो इसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, अगर आपका ये विषय है तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो विषय हैं वो आपके वही हैं बट उनकी जो राउंडिंग है वो बदली जा रही है, मतलब 4 राउंड 3 राउंड 2nd राउंड इस प्रकार से ये बदली जा रही है। तो 13 तक इसकी काउंसलिंग आपकी चल रही थी, आप देख सकते हैं इसमें जो आपका पहला वाला है उसमें 13 से 14 तक है, उसके बाद 13 से 15, फिर 13 से 14। टाइमिंग आप लोगों का कोई भी विषय है तो टाइमिंग मेजरली तो आप में यही देखा गया, PG का तो कॉन्स्टेंट है, आप लोगों में कभी कभी बदलता है कि जैसे कि जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के दो बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है और 5 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और उसके ठीक एक अगले दिन 5 बजे से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को जो है फ़ीस को सबमिट कर देना है, ठीक है, उस 5 बजे से लेके इस 5 बजे तक। तो ये आपका 13 का था, अगर आपका इतने में विषय है तो आप देख लें। अब हम बात करते हैं आज के अपने कट ऑफ की, जो कि है आपका 3 सब्जेक्ट में BA मीडिया स्टडीज़ और BCA। ये आपका 14 सितंबर की कट ऑफ है। सबसे पहले अगर हम BA के कट ऑफ की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए 473 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर है तब आप यहाँ पर काउंसलिंग करवा लें। ST की कट ऑफ 28 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर है तब आप करा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 14 से लेकर के कल तक की डेट आपके पास है,
तो कल तक की डेट है, तो कल 15 सितंबर दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, और कल ही 15 तारीख को ही जो है शाम को 5 बजे से पहले आपको क्या कर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना है, इसमें सारा ग्रीन टिक लगता है ना वो वाली चीज़। इसके बाद 16 तारीख को शाम 5 बजे, समझिए अगर तो आपको 14 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो है शाम 5 बजे से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का पूरा काम कर लेना है, और 15 सितंबर शाम 5 बजे से लेकर के 16 सितंबर शाम 5 बजे तक, उसके पहले तक फ़ीस को जमा कर देना है। सीधी सी बात इतनी है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीए मीडिया स्टडीज़ की, तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर कट ऑफ आपकी गई है 259 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर गई है 100 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर। एससी की कट ऑफ यहाँ पर गई है 70 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 96 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर। अगर हम बात करें कब से कब तक चलने वाला है, तो ये आपका 14 से 16 तक चलने वाली है। 14 सितंबर तक आपकी आज से स्टार्ट है, 16 सितंबर दोपहर 2 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर लेना है, और शाम 5 बजे से पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है, 16 को ही 5 बजे से पहले। और इसके साथ 17 के 5 बजे तक आपको फ़ीस को सबमिट कर देना है, अगर आपको एडमिशन बीए मीडिया स्टडीज़ में चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीसीए की, तो बीसीए में ओबीसी की कट ऑफ दी गई है 364 मार्क्स, इतना या फिर इसके ऊपर। ऑल एसटी कैंडिडेट, ऑल डब्ल्यूयू, ईडब्ल्यू और टीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, इसके अलावा ईडब्ल्यू टीडब्ल्यू एसपी पीएच कश्मीरी माइग्रेंट लिस्ट यहां पर ओपन कर दी गई है। 14 सितंबर से इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट है, 15 सितंबर तक आपकी ये काउंसलिंग चलेगी। ध्यान देंगे आप, 14 से आज से स्टार्ट है, 15 तक काउंसलिंग चलेगी। 15 में दो टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 बजे, 2 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है, और 15 को ही शाम 5 बजे से पहले आपका डॉक्यूमेंट पे सब पे टिक होना चाहिए, मतलब वेरीफाई होना चाहिए। ये सबके लिए बता रही हूँ, सबका टाइमिंग यही है। इसके बाद 15 से लेकर के 16 सितंबर तक का आपको दिन दिया जा रहा है, एक दिन। इस दिन शाम 5 बजे से लेकर के 16 के शाम 5 बजे तक आपको क्या करना है, अपनी मुद्रा यानी कि फ़ीस को सबमिट कर देना है, अगर आपको इस सब्जेक्ट में या जो भी आपका विषय है उसमें एडमिशन चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो ये इनकी पूरी प्रक्रिया रहती है, आप देख सकते हैं, या टाइमिंग का वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही जैसे आप फीस जो है पे कर देंगे, तो आपको सीट वहाँ पर अलॉट हो जाएगी, और उसके साथ ही एडमिशन लेटर और एडमिशन जो है आपका कार्ड, नॉट लेटर, एडमिशन कार्ड और जो आपका फ़ीस रिसिप्ट है उसको भी आप वहीं से, जैसे पैसा सबमिट करेंगे, फ़ीस को सबमिट करेंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही कोई और अपडेट आएगी, इसके बाद एक बार आपकी कॉल फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए भी आएगी, तो वो अगर आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि उसकी जब कॉल आएगी, जैसे जैसे आपका न्यूज़ नोटिस आएगा वैसे वैसे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।